हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देखिए। फ्रेंड्स, आज वाले लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन करें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है। फ्रेंड्स, ये आइसोमर्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। ये जो इंटरकन्वर्जन होता है इनमें, वो दो प्रोसेस से होता है। या तो आपके होगा राउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे इथेन में, एंड या फिर आप देखते हैं फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये होते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस को हम आगे डिटेल में और अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अब देखिए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके फ्रेंड्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, फ्रेंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है। डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बोथ आइसोमर्स। ओके फ्रेंड्स, इन ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनका क्या है, ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। हम इनको फर्दर ऑप्टिकल आइसोमर्स को दो टाइप्स में देखते हैं। एक होते हैं आपके इनेंशियोमर्स एंड एक होते हैं आपके डाया स्टीरियो आइसोमर्स या डाया स्टीरियोमर्स। ओके फ्रेंड्स, एंड ज्योमेट्रिकल आपके होते हैं सिस या ट्रांस। तो ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन है, कॉन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फर्मेशनल द आइसोमर्स विच आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और फ्लिपिंग। इथेन सबसे अच्छा एग्जांपल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एंड फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। वो हम आगे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड कॉन्फिगरेशनल की हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, ये एक तो इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते एक दूसरे में। दूसरे इनमें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनको, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफरेंशिएट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेस पर, इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। वहीं ज्योमेट्रिकल की बात करें तो वो होता है आपके ज्योमेट्री डिफरेंट दैट इज सिस एंड ट्रांस। अब चलिए हम कॉन्फिगरेशनल को आगे लेते हुए चलते हैं डिटेल में। जो अभी डिटेल स्टडी करनी है हमको, किसकी करनी है, कॉन्फिगरेशनल की करनी। चलिए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल में फर्स्ट टाइप हम देखते हैं इनेंशियोमर्स। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डाया स्टीरियोमर्स। देखिए फ्रेंड्स, इनेंशियोमर क्या होते हैं, इनेंशियोमर या इनेंशियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर,
बट नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है इनेंशियोमर की कंडीशन में। इनेंशियोमर आर दोज आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट देयर मिरर इमेजेस शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, सो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इनेंशियोमर। नेक्स्ट, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ओके फ्रेंड्स। इसका एक एग्जाम्पल देखिए क्या होगा फ्रेंड्स। हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का अगर आप देखें फॉर्मूला, तो ये होता है आपका, यहां पर ये कायरल कार्बन होता है, ये होगा आपका सी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से आएगी इसकी मिरर इमेज? ये वाला हो जाएगा इस तरफ, OH ग्रुप आ जाएगा इस तरफ एंड हाइड्रोजन चला जाएगा पीछे, तो ये हो गया ना मिरर इमेज। ये आपका लैक्टिक एसिड की एक फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज ये है। अब देखिए ये दोनों फॉर्म्स को अच्छे से देखिए, क्या ये दोनों मिरर इमेजेस है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रही है आपको मिरर इमेजेस है। क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? जी नहीं, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं मॉलिक्यूल, इट मीन्स दे बोथ आर इनेंशियोमर्स। दिस इज नोन एज इनेंशियोमरिक पेयर। ओके फ्रेंड्स, सो इनेंशियोमर आपको ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमर का फर्स्ट टाइप है इनेंशियोमर, दैट इज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की। डायस्टीरियोमर्स जस्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स में तो काउंट करते हैं, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो हियर डायस्टीरियोमर्स इज नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टेट्रोशुगर। टेट्रोशुगर की एक फॉर्म होती है आपकी ये, यहां पर दोनों OH ग्रुप सेम साइड है, इनको आप बोलते हैं इरिथ्रोस्पियर, इरिथ्रोशुगर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाना चाहें तो बन तो जाएगी, किस तरह से बनेगी? इस तरह से। तो ये तो क्या हो गया आपके इनेंशियोमर्स, लेकिन इसी की दूसरी फॉर्म होती है आपके जहां पर दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड है, ये होती है इसकी थ्रियोस फॉर्म। तो इरिथ्रोस एंड थ्रियोस आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो इट मींस दे आर डायस्टीरियोमर्स। इरिथ्रोस एंड थ्रियोस आर द डायस्टीरियोमर्स ऑफ टेट्रोशुगर। यहां पर ये दोनों इरिथ्रोस ही है, ये दोनों मिरर इमेजेस है, तो दे आर तो यहां पर अगर हम इनको दे ए बी एंड सी, तो रिलेशन देखिए क्या आएगा, ए एंड बी इज
इनेंशियोमर्स एंड एएनसी एंड बीएनसी आर डायस्टीरियोमर्स. अंडरस्टैंड? दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर. बस आपको ये ध्यान देना है, अगर दोनों आइसोमर मिरर इमेजेस है तो इनेंशियोमर, और अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो डायस्टीरियोमर. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते. ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में. हमने डिफरेंस देखा था ऑप्टिकल एक्टिविटी का, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है वो देखते हैं हम. देखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, पीपीएल को रोटेट करने की टेंडेंसी. पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज लाइट. अगर कहीं पर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है तो इट मींस वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है. एंड अगर वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है तो इट मींस वो कंपाउंड क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. इफ देयर इज अ रोटेशन इन प्लेन पोलराइज लाइट प्रेजेंट, दैट मींस देयर इज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट. And that compound which rotate the plane polarized light is known as optical active compound. Understand friends? So optical activity and optical active compound के बारे में मैंने आपको बता दिया. Plane polarized light से related है ये concept. अब देखिए plane polarized light का concept क्या कहता है friends आपसे. Plane polarized light क्या होती है, आप एक light को जिसका जो प्लेन है, सब सारे प्लेन्स में क्या होती है वो वाइब्रेट करती है एक नॉर्मल लाइट, आप उसको एक पोलराइजर से पास करिए. पोलराइजर की फॉर्म में आप ले सकते हैं निकोल प्रिज्म. अगर आप इसको एक पोलराइजर से पास करेंगे तो जो ये लाइट का वाइब्रेशन सारे प्लेन्स में था इस तरह से, अब इसका जो पोल वाइब्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में हो जाएगा इस तरह से. पहले सब डायरेक्शंस में था, अब क्या है, एक ही प्लेन में. इस टाइप की लाइट को आप बोलते हैं पीपीएल लाइट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जब आप इस लाइट को आपको जिस देखिए क्या होता है, जब भी आप कंपाउंड को रोटेशन नोट करते हैं तो आप एक सैंपल ट्यूब लेते हैं. सैंपल जिस भी सैंपल का आपको रोटेशन नोट करना है तो उसको आप एक ट्यूब की फॉर्म में लेंगे. तो उस ट्यूब की क्या होती है, तो आप मानते हैं लेंथ एल, एक एल लेंथ की ट्यूब, उसके अंदर आपका कंपाउंड फिल है, इसकी कंसेंट्रेशन होती है सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जब आप इसको इसमें से पास करते हैं सैंपल में से पीपीएल को, तब क्या होता है, ये सैंपल उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देता है. जब यहां से ये पास होगी तो ये जो लाइट है एक पर्टिकुलर एंगल से इस तरह से क्या होगी, रोटेट हो जाएगी अपने प्लेन से. इस एंगल को बोलते हैं अपन थीटा, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड एंगल. थीटा और इसको यहां पर बोलेंगे अल्फा. अल्फा इज अ ऑब्जर्व्ड एंगल. एंड आफ्टर दैट डिटेक्टर में इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कितने एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई है. तो ये तो एक क्या आपका एक्सपेरिमेंट मेथड है सैंपल का, ऑब्जर्व या जो जिस एंगल से उसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया है उसको पता करने का. तो यहां से देखिए आपको क्या पता लगता है, अल्फा पता लगता है. आगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आगे का कॉन्सेप्ट आता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन.
कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, ब्रैकेट में इसको डिनोट करते हैं अल्फा लैम्डा टी। ये होता है आपका अल्फा, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड एंगल, अपॉन सी कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सैंपल इनटू एल, एल दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सैंपल का क्या मिलेगा, स्पेसिफिक रोटेशन मिलेगा, और ये स्पेसिफिक रोटेशन से ही आपको पता लगता है कि वो सैंपल प्लेन पोलराइज राइट को कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, और ये स्पेसिफिक रोटेशन हर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का अलग अलग होता है। तो ये फाइंड करने से एक तो आपको ये मिल जाएगा कि हाँ ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, अगर प्लेन स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है तो इट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। फिर कितना आ रहा है, वैल्यू से आपको उस कंपाउंड की नेचर के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लैम्डा है आपका, लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ ऑफ, ये जो लाइट आपने यूज करी इस लाइट की वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड टी इज द टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही आप फाइंड करेंगे इनेंशियोमर्स को, इसका हम आगे इनेंशियोमर में रिलेशन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो वैल्यू आती है आपकी अल्फा की, ये वैल्यू आती है आपकी प्लस या माइनस दो वैल्यूज में। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख के बता देता हूं आपको, प्लस या माइनस। प्लस तो होती है आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, एंड माइनस हो रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दो वैल्यूज आती है, इसको आप डिनोट करते स्मॉल डी से, इसको आप डिनोट करते स्मॉल एल से। स्मॉल डी मींस हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड स्मॉल एल हो गया आपका लीवो रोटेटरी। तो इट मींस अगर आपके किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अगर प्लस में है, इट मींस वो कंपाउंड, उस वो कंपाउंड पीपीएल को आपके क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या फिर आपको डी लिखा हुआ मिलेगा। डी मींस भी पॉजिटिव रोटेशन ऑफ पीपीएल, एंड एंटी क्लॉकवाइज मींस स्मॉल एल या नेगेटिव। तो नेगेटिव का मींस वो कंपाउंड क्या है, उस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इससे आपको किसी भी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू के आगे साइन से ये पता लगता है कि कौन सी डायरेक्शन में पीपीएल रोटेट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपके कॉन्सेप्ट आता है कायरलिटी एंड इनेंशियोमर। कायरलिटी को हम इनेंशियोमरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इससे पहले हम कायरलिटी पढ़े, मैं आपको दो टर्म से इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। एक होता है आपका कायरल सेंटर, एंड एक होता है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। दो टर्म्स है फ्रेंड्स, ये दोनों सेम होती है अलग अलग होती है, देखते हैं। बहुत जने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम होगी अलग अलग होगी, तो देखिए फ्रेंड्स अलग अलग होती है, किस तरह से होती है समझते हैं। देखिए कायरल सेंटर की बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में अगर आपका सेंटर
चार अलग अलग वैलेंसी से अटैच होता है। अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक में तो हम कार्बन की बात करते हैं, अगर आपका जो कार्बन है चार अलग अलग वैलेंसी से अटैच है तब उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, एंड उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। ओके फ्रेंड्स, तो कायरल सेंटर की जब हम बात करते हैं, कार्बन अटैच विथ फोर डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस इज नोन एज योर कायरल सेंटर। अ सेंटर विच अटैच फोर डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज कायरल सेंटर। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से लें, ये क्या आपका टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल में देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है जिस पर मैं आपके रेड स्टार बना रहा हूं, ये क्या है, यहां पर एक कायरल कार्बन है। टू ब्यूटेनॉल, ओके फ्रेंड्स, तो कायरल सेंटर आपको समझ आया। अब बात करते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर की। देखिए फ्रेंड्स, कायरल सेंटर से स्टीरियोजेनिक सेंटर निकलता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मींस क्या होता है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल में वो सेंटर जहां पर दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करने पर उसकी स्टीरियो चेंज हो जाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, या हम बोले सेंटर एट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव्स अ न्यू स्टीरियो आइसोमर आर नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी आपकी, सेंटर एट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव्स अ न्यू स्टीरियो आइसोमर। ओके फ्रेंड्स, सेंटर एट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव्स अ न्यू स्टीरियो आइसोमर आर नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए आपके मॉलिक्यूल है, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम देखें तो एक कायरल कार्बन आपको दिख जाएगा, ये रहा, तो कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर कायरल सेंटर के साथ साथ दो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी प्रेजेंट है। कौन कौन से, ये दोनों कार्बन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे आपके, सिस या ट्रांस, ई या जेड जो हम बोलते हैं। तो इनके अराउंड भी जब आप अगर चेंज कर देंगे ग्रुप्स को, तो एक बार तो सिस मिलेगा, एक बार ट्रांस मिल जाएगा, एंड इसके अराउंड भी जब आप चेंज करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर चेंज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्टीरियोजेनिक आर सेंटर एट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव्स अ न्यू स्टीरियो आइसोमर। तो यहां से आपको एक बात पता लगी कि ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, बट नॉट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स। ध्यान से सुन लीजिए बात फिर से फ्रेंड्स, दैट ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, बट नॉट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर कायरल सेंटर। सारे कायरल सेंटर आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके कायरल सेंटर नहीं होते हैं। इस
मॉलिक्यूल्स आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स तो कितने, वन ओनली, ये कार्बन जिस पर स्टार है, बट नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं, थ्री, एक ये कार्बन और दो ये एल्कीन वाले कार्बन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका कायरलिटी कायरल सेंटर एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर का डिफरेंस। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा कायरलिटी एंड इनेंशियोमेरिज्म या कायरलिटी इन इनेंशियोमर्स। देखिए किस तरह से, ओके कायरलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आप ये कंफ्यूज होते हैं कि कायरलिटी होने के लिए कंपाउंड में कायरल कार्बन का होना जरूरी है, अगर कायरल कार्बन है तब तो ही वो कायरल होगा, कायरल कार्बन हो नहीं हुआ तो कायरल नहीं होगा। तो देखिए इसको हम अच्छे से समझते हैं, अगर आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, यानी ए कायरल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कंपाउंड में कायरल कार्बन दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा या इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा, आपको दूसरा क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए किस तरह से, जब भी हम कायरलिटी की बात करते हैं तो कायरलिटी कभी भी किसी कंपाउंड में एक पॉइंट का कैरेक्टर नहीं होता है, कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ होल कंपाउंड, ये आपको ध्यान रखना है। कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ होल कंपाउंड, नॉट अ सिंगल सेंटर। अगर आप सोचते हो कि किसी कंपाउंड में आपको कायरल कार्बन दिख गया, इट मीन्स वो कायरल हो गया या वो कायरल कार्बन से ही कायरल, तो बिल्कुल गलत है। आपको ये चेक करना है कि वो कंपाउंड कंप्लीट कायरल है कि नहीं। कायरलिटी क्या है, आपके पूरी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, एंड अगर आपके वो कंपाउंड कायरल है तो इट मीन्स वो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की शर्त होती है कि उसमें कायरल, वो कायरल होना चाहिए। अगर वो कायरल है तो इट मीन्स वो ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, एंड ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनेंशियोमर्स की। अभी हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था, इनेंशियोमर्स को समझा था हमने फ्रेंड्स, प्लस माइनस PPL को रोटेट करते हैं, तो यही क्या होता है आपके इनेंशियोमर्स। तो कायरलिटी को हम इनेंशियोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहां से बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए कायरलिटी कैसे चेक करी जाए किसी कंपाउंड में कि वो कंपाउंड कायरल है कि नहीं, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, दो आपको सिमेट्री एलिमेंट देखने हैं उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। कंपाउंड की स्ट्रक्चर तो हमारे पास होती ही है, आपको क्या फाइंड करना है उसमें वो सिमेट्री एलिमेंट्स देखने अच्छे से। वो सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो कायरलिटी के लिए शर्त क्या होती है, फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सिग्मा, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी आई, ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स आपको देखने उस कंपाउंड में। अगर अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, अगर आपके कंपाउंड में दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपके कंपाउंड में दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तब वो कंपाउंड आपका होगा कायरल कंपाउंड। फिर से सुन लीजिए, अगर आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, दोनों एब्सेंट होने चाहिए, तब वो कंपाउंड क्या है आपका, कायरल।
और अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है, आइदर सिग्मा और आई और बोथ प्रेजेंट या दोनों, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एक आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनेंशियोमेरिज्म चेक करने का सबसे अच्छा क्राइटेरिया है, आपको ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अप्लाई करने हैं। दोनों में से अगर कोई भी एक लग रहा होगा, इट मींस वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, एक आयरन होगा। एंड अगर दोनों में से कोई भी नहीं अप्लाई होता है, दोनों ही एब्सेंट है, इट मींस वो श्योरली 101% कायरल होगा, इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा, अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, इनेंशियोमर्स मिलेंगे। तो किसी भी कंपाउंड के इनेंशियोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो कौन डिसाइड करता है, कायरलिटी डिसाइड करती है। अगर वो कायरल है तो इनेंशियोमर होंगे, कायरल नहीं है तो इनेंशियोमर नहीं होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, उन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि वो कंपाउंड कायरल है या एकायरल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिए स्ट्रक्चर, आपको ये फाइंड करना है ये कायरल है या एकायरल। हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, हमको क्या देखना है, दो सिमेट्री एलिमेंट्स डेट इज सिग्मा और आई, दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो एक आयरन हो जाएगा, दोनों एब्सेंट है तो कायरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये है आपका H2 मॉलिक्यूल फर्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, H2 में हमको पता होता है कि एक सिग्मा प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे क्या आपके सिग्मा प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, एक आयरन, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो H2 आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आप, ये एक आपकी क्या है, इथीन है। तो इथीन में देखिए क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें पूरा एक क्या है, इस प्लेन में एक प्लेन प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप प्लेन देखें तो हमेशा होता है प्लेनर स्ट्रक्चर में एक प्लेन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में होता है उस परपेंडिकुलर एक सिग्मा प्रेजेंट होती है इसमें, तो इसमें भी क्या एक सिग्मा प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ से हम देखें तो एक आई भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या सिग्मा भी प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हुआ आपका, एक आयरन। स्ट्रक्चर थर्ड में देखिए, अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है आपके। पर क्या मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि कायरल सेंटर वाला कंपाउंड भी कायरलिटी शो करे। तो ये अच्छा एग्जाम्पल आपका, देखिए बिकॉज ये आपका क्या, यहाँ पर एक कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन आप देखेंगे इसमें क्या है, एक सिग्मा प्रेजेंट होती है। वो सिग्मा कहाँ से पास होगी फ्रेंड्स, देखिए ये दोनों मिथाइल प्लेन में है, ये OH एंड BR को कट करती हुई एक सिग्मा क्या है इसमें लगेगी। जब आप एक प्लेन OH एंड BR में से लगाएंगे तो दोनों हाफ जो बनेंगे वो क्या, मिरर इमेजेस बन जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या आपके मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इस टेट्राहेड्रल कार्बन में क्या एक प्लेन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या हुआ आपका, एक आयरल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट, ये है आपका मीजोटार्ट्रिक एसिड। मीजोटार्ट्रिक एसिड की मीजो फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला प्लेन प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें ये मिरर प्लेन लग रहा है इसमें, इस प्लेन से देखिए ये दोनों हाफ एक दूसरे क्या मिरर इमेजेस बन रही है, तो इसमें क्या है आपके सिग्मा प्रेजेंट है। एंड इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, आई भी प्रेजेंट होती है, दोनों प्रेजेंट होती है सिग्मा एंड आई, तो ये भी क्या हुआ आपका, एक आयरन। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी इस मॉलिक्यूल को देखिए, क्या इसमें आपको सिग्मा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिग्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई प्रेजेंट है। आई देखिए सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ये यहाँ से आई प्रेजेंट है, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर COH COH मॉलिक्यूल, तो आई प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हुआ आपका, एक आयरन। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में, देखिए इस मॉलिक्यूल में प्लेन तो प्रेजेंट है नहीं, अगर आप इस तरह से प्लेन लगाते हैं तो देखिए ऊपर COH है, नीचे H है, इधर H है, इधर COH है,
तो प्लेन तो लग नहीं रहा। अगर आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन लगाने की सोचे तो यहाँ पर तो COH ग्रुप है, उधर कोई ग्रुप नहीं, उधर हाइड्रोजन ही है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपके सिग्मा भी एबसेंट है, आई भी एबसेंट है। तो ये आपका क्या है, कायरल मोलिक्यूल है। ये इस कंपाउंड में क्या है, कायरलिटी है। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, इट शो इनेंशियोमेरिज्म। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए दो कायरल सेंटर दिख रहा है, ये दोनों कायरल सेंटर है आपके। पर देखिए यहां पर क्या है, एक प्लेन इस तरह से प्रेजेंट है ये। अगर देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, ये यहाँ पर प्लेन इसलिए क्योंकि ये वाले कार्बन को देखिए आप, ये जो वैलेंसीज है, ये वैलेंसी सेम है आपके, इसलिए यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तब यहाँ पर क्या है, प्लेन अप्लाई नहीं होता, देन इस कंडीशन में ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपके एक सिग्मा प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो गया, आपका एक कायरल हो गया। एंड यहाँ पर देखिए इधर भी क्या है, एक ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर किसी भी तरह का प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए बेंजीन नहीं है। आपको अगर ये लगे बेंजीन प्लेनर होता है, ये साइक्लोहेक्सीन है। आगे हम जब कॉन्फर्मेशन एनालिसिस पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सीन का, उसमें समझ आएगा कि ये प्लेन में नहीं होता स्ट्रक्चर। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो यहाँ से देख लीजिए, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ। इस तरह से होती है साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट, एंड हेक्सीन भी कुछ इसी तरह से आएगी। ये है आपका कैम्फर का स्ट्रक्चर, कैम्फर होती है ये। यहाँ पे तीन कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, तीन कायरल कार्बन प्रेजेंट है कैम्फर में। ये आपको दिख रहे, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और ये भी क्या होता है, आपका कायरल मॉलिक्यूल होता है कैम्फर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके जो आपको ये बताते हैं कि कंपाउंड में कायरलिटी कैसे चेक करनी है। अगर वो कायरल है इट मींस वो इनेंशियोमर होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर उनमें कोई भी इन दो या तो सिग्मा या आई प्रेजेंट होगा तो इट मींस वो एकायरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये था आपका कायरलिटी एंड इनेंशियोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में इतना ही देखे फ्रेंड्स, इससे आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।